Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. आज है 13 तारीख और अभी टाइम हुआ है, देख सकते हो अब सुबह के 8:20 और आज हमारे यहाँ इलेक्शन है। तो मैं आपको पहले बता दूँ, ओडिशा में इलेक्शन 13 मई से लेके 1 जून तक है और हम जा रहे थे बरहमपुर में। आज हमारे यहाँ इलेक्शन है तो अभी हम जाने वाले हैं वोट देने के लिए। और वोट कैसे आया पता है ना, मेरा और पापा का एक ही स्कूल में आया वोट देने के लिए, मामा का एक किसी और जगह है और जुबली का किसी और जगह है। तो मतलब पहले तो मैं सोचता हूँ जुबली और मैं हम दोनों जाएंगे, पहले मैं उसका वोट दे के आएगी, फिर मैं मेरा जहाँ पे वोट है मैं वहाँ पे वोट दे के आ जाऊंगा। पता नहीं ये ब्लॉग में कैसे बनाऊँ क्या करूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि मुझे इतना सुना है मैंने, फोन अंदर तक तो अलाउ नहीं होता पर जहां तक अलाउ होता है मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, मतलब फोटो खींच सकते हो, रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप, ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो देखेंगे जो होगा, हम जहां तक होगा मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर फोटो जो भी थंबनेल भी वहीं पे खींच लेंगे, सब कर लेंगे। और पता नहीं ब्लॉग कैसा जाएगा, और थोड़ा सा है मतलब पहली बार वोट दे रहे ना वो उसका जो फील होता है ना वो थोड़ा अलग है। और पहली और आखिरी बात, पहली आखिरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ और एक बात, वोट तो सबको देना ही चाहिए। तो हमारा प्लानिंग क्या था पता है ना, सुबह 7 बजे निकल जाएंगे, ज्यादा भीड़ नहीं होगा, वोट दे के आ जाएंगे। पर 7 का तो पता नहीं, अभी 8:20 हो चुका है तो कब जाएंगे कब आएंगे कुछ गारंटी नहीं। अभी वहां पे जाऊंगा, उसका जो जुबली जहाँ पे वोट देगी वहां पे बहुत भीड़ होगा, फिर मेरा जहाँ पे वोट होगा वहां पे भी भीड़ होगा, फिर मैं घर पे आऊंगा तो मम्मी पापा फिर जाएंगे, वो दोनों जाएंगे वोट देने के लिए। यही है भाई जीवन का नियम। चलो जब जाएंगे मैं आपको तब देख मिलता हूँ। गाइस फाइनली अभी हम निकल रहे हैं वोटिंग देने के लिए और अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:31। चलो जल्द जल्द चलते हैं वहां पे। गाइस अभी हम आ चुके हैं जुबली जहाँ पे वोट देने वाली है, आपको पीछे दिख रहा है ये स्कूल, हाँ यहाँ पे जुबली वोट देने वाली है। तो पहले वो वोट दे के आएगी फिर हम यहाँ से निकलेंगे और अभी टाइम हो चुका है 8:40। देखते हैं अंदर भीड़ तो बहुत है भाई, तो बाहर इतना भीड़ नहीं है अंदर बहुत है। गाइस अभी मैं स्कूल के अंदर जाके आया और मैंने देखा कि स्कूल के अंदर ना जो हमारा सेमीकंडक्टर ना एक मतलब इंडियन मैप के ऊपर सेमीकंडक्टर लगाया गया है जो इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है, फिर एक टोटरेज बनाया गया जो बोले वोट देना चाहिए वो सब, और फोटो खींचने के लिए वो सब बनाया गया। आपको होगा तो मैं दिखाऊंगा बाद में, कभी मतलब कभी क्या आज ही दिखाऊंगा, क्योंकि आज अंदर बहुत भीड़ था भाई। तो वो लोग बोले बाहर खड़े रहो, अगर आपका वोटिंग नहीं है तो मैं बाहर आ गया, क्यों अंदर भीड़ करना। जब जुबली आएगी तो उसको बोलूंगा एक वीडियो बना के ले आए, मेरा जहाँ पे खुलेंगे अगर वहाँ पे होगा तो आपको वहाँ दिखा दूंगा, मेरे बूथ में अगर ये सब डिजाइन बनाया गया होगा तो। अभी जुबली वोट दे के आ चुकी है और बताओ अंदर फोन अलाउ नहीं है ना, तो बोल रहे हैं एक्चुअली फोन बाहर तक अलाउ है पर कैमरा एक्चुअली फोन बाहर तक अलाउ है पर बाहर जो पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है आप उसे फोन दे के अंदर जा सकते हो। अच्छा आपने वोट दे दिया? हाँ। और अंदर कितना जो डेकोरेट किया गया है? ठीक ठाक डेकोरेट किया गया। पहले मैं वो डेकोरेट किया वीडियो निकाल के आ जाऊँ, मेरे वाले बूथ में होगा या नहीं क्या पता, तो पहले यहाँ पे निकाल देता हूँ। अभी निकले मेरे वाले के लिए, अभी टाइम हो चुका है 9:15 भाई, चलो चलते हैं। जाने से पहले एक और बात बता दो, वहाँ पे भीड़ कितना था अंदर? एक्चुअली एक बूथ को 3 या 4 बूथ में डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए मेरा जो बूथ था वहाँ पे तो ज्यादा भीड़ नहीं था और बाकियों में बहुत भीड़ थी। चलो देखते हैं मेरे पे कितना भीड़ होगा। गाइस आपको दिख रहा है ये टोटरेज बनाया गया, पास जाके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो ये उसका वोटर कार्ड है, तो ये इस पर बताया जा रहा है कि आप वोट दो। और यहाँ पे सेमी कंडक्टर से ना देखो पूरा जो इंडिया मैप बनाया गया है, आपको पास से दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस अभी हम आ चुके मेरे वाले बूथ में जहाँ मैं वोट देने वाला हूँ और अभी टाइम हुआ है 9:22 और यहाँ पे तो बहुत ही भीड़ है, मतलब बहुत ज्यादा ही भीड़ है, आपको दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है कितना भीड़ है, इस स्कूल में मेरा वोट है भाई, देखा कितना भीड़ है। तो चलो मैं वोट दे के आता हूँ, फिर अगर मेरे अंदर भी कोई डिजाइन किया गया है मेरा फोटो वोटो सब खींच के आ जाऊंगा, चलो चलते हैं। भाई कितनी तेज धूप आ रही है और गर्मी तो बहुत लग रही है, और अब भीड़ देखो भाई, यहाँ से लाइन लगे अंदर तक बहुत लंबा लाइन है। गाइस अभी मैं वोट दे के आ चुका हूँ, आपको दिख रहा है, हाँ अभी मैं मतदान दे के आ चुका हूँ, पर अभी मुझे यहाँ पे एक फोटो खींचना था, आपको दिख रहा है। पर क्या है ना जुबली घर जा चुकी है क्योंकि बहुत धूप हो रहा है, अभी टाइम हो चुका है 10:30 और जुबली इतना धूप हुआ ना तो वो घर चले गए। अभी मम्मी पापा आ रहे हैं, उनका वोट है, पापा का वोट है यहाँ पे, मम्मी का वोट यहाँ से आगे वाले स्कूल में, तो वो आएंगे पापा को बोलूंगा मेरा एक फोटो खींच ले, हमने के लिए भी तो चाहिए ना। पर इस वाले बूथ में इतना डेकोरेट नहीं किया गया था, सिर्फ यही है, चलो पहले मम्मी पापा आ जाए तो फोटो खींचेंगे, फिर अपना ये ब्लॉग बताऊंगा आपको बाकी सब क्या हुआ, अंदर जाके बताऊंगा मतलब घर जाके बताऊंगा। गाइस अभी मैं पिछले 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ, मम्मी पापा नहीं आए, तो मुझे ऐसा लगता है पापा शायद मम्मी को लेके मम्मी की जिस बूथ में है ना वोट देने के लिए पापा वहीं लेके गए होंगे मम्मी को, इसलिए टाइम लग रहा है, वहाँ पे टाइम लग रहा होगा तो अब तक नहीं आए। और भाई कितना धूप हो रहा है यहाँ पे।
गाइस अभी मैं वोट दे के आ चुका हूँ। हाँ बाहर गर्मी थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अंदर होता क्या है। पहले आप अंदर जाओगे, फिर आपका जो वोटर कार्ड होता है उनको दिखा के वो एक पेपर देंगे जिसपे आपका नाम फॉर्म सब लिखा होगा, वो पेपर लेके हम गए। फिर वहाँ पे एक लाइन, बहुत लंबी लाइन थी, वह लाइन लेकर ऊपर गए। फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं उनको, रुको, कुछ एजेंट ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट, पोलिंग एजेंट होते हैं, वो पूछेंगे तो आपका सीरियल नंबर, के सीरियल नंबर बोलोगे तो सब सीरियल नंबर चेक करके राइट पारेंगे। फिर वहाँ जाएंगे तो वो आपका आधार आधार कार्ड तो नहीं, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे अगर आपका वोटर कार्ड नहीं है तो, ना वोटर कार्ड दिखाओगे और वो पेपर दिखाओगे ना तो वो लिखेंगे। फिर दूसरे बाद आपको साइन करना है, फिर वो ये जो लगाते हैं ना इंक, ये लगाएंगे। फिर आपको दो पेपर देंगे, एक है लोकसभा के लिए, एक है राज्यसभा के लिए, वो दो। अब फिर वो अंदर जाके आप वोट दोगे, 4 से 5 सेकंड वेट करोगे तो आपने जिसको वोट दिया उसका पेपर यहाँ से आएगा, आप वो देखोगे। फिर वो 2-3 सेकंड के बाद वो भी लाइट लिप जाएगा, मतलब वो पेपर कट के नीचे गिरेगा और लाइट लिप जाएगा। फिर आप दूसरे पे जाओगे, ऐसा करके निकल के आ गए भाई। और अंदर पानी का भी सुविधा किया, जिसको प्यास लगे तो पानी का भी सुविधा, सब कुछ तो क्या बोलते हैं अरेंजमेंट तो किया गया था। पर मैं जहाँ पे दिया वहाँ पे ऐसा डेकोरेशन नहीं था, पर जुबली ने जहाँ पे दिया वहाँ पे सब कुछ डेकोरेशन था। तो मैंने आपको तो वो तो मेरे ब्लॉग में आपको मैंने दिखाई दिया होगा। ओके अभी तो मैं क्या करना हूँ ना, सोच रहा हूँ ये ब्लॉग को एंड करूँ क्योंकि कल और बड़ा ब्लॉग आने वाला है। बड़ा है क्या, आपको तो मेरे ब्लॉग में पता चल जाएगा कल हम कहाँ जा रहे हैं, कल हम नहीं मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, हम जो अभी समझ लो यार। ओके तो अगर मैं आपको मेरे ब्लॉग से, ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, मैं आपको मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।